क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसंप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ॐ श्रीकालिके शुभदेवी सूर्यकूटनिवासने रक्षमार्तमहामाये विश्वरूपे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की, माँ आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभु की, कार्तिक जी महाराज की, स्थान देवता की, नगर देवता की, कुल देवी देवता की, सभी पूर्वजों की, गुरुजनों की और आप सभी भक्त जनों की जय हो, जय हो, जय हो। जीवित पुत्र का व्रत ए व्रत के कहल जाला, जेकरा के जीवतिया भी बोलल जाला, ए क्षेत्र में जीवतिया कहल जाला, ठीक बा। तो जीवित पुत्रिका व्रत के शुरू भइल, काहे शुरू भइल, हाँ कोना कारण से ई जौन पर्व बाटे एकरा के मनावल जाला, एकरा पीछे के जौन कारण का बाटे, एकरा कारण के समझे खातिर हमनी के बहुत पीछे जाए के पड़ी। एक बार के बाद बा कि नैमिषारण्य एक जगह बा, पवित्र भूमि बाटे, आज भी वो जगह बा उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे। वही जाए एक बार बहुत साधु संत लोग के बैठक भई रहे, वही में हजारों लोग आई रहे, बहुत लोग आई रहे। सुत जी महाराज वही में आई रहनी, सुत जी महाराज से सब केहू पूछलस कि हे सुत जी महाराज, अभी कलियुग आवे आला बाटे, ओकरा कलियुग आवे आला रहे, है ना, ओकरा पहले द्वापर युग रहे, तो ओकरा पहले त्रेता रहे, सतयुग रहे, लेकिन अब कलियुग आवे आला बा, तो कलियुग में लोग ज्यादा पूजा पाठ ना कर पाई। हाँ, कलयुग में अपना संतान के लंबा उम्र खातिर, हाँ लड़का लोग के लंबा उम्र खातिर आखिर लोग कौन सा व्रत करी, कौन सा उपवास करी, ताकि सब केहू के बच्चा लोग के जो उम्र होखी वो लंबा होई, बढ़िया स्वास्थ्य होखी, आजीवन में तरक्की करी लोग हर क्षेत्र में। हाँ, ई सोच कर सब साधु संत लोग सुत जी महाराज से कुछ नहीं लोगे। सुत जी महाराज कहनी कि हम रउआ लोगिन के एगो कथा सुनावतनी कि केंगा ई सब के शुरुआत भई। तो सुत जी महाराज अब कथा कई शुरू करतनी। सुत जी महाराज बतावतनी कि एक बार के बाद पा जब महाभारत युद्ध, महाभारत के लड़ाई चल रहे नो, तो महाभारत युद्ध, महाभारत के लड़ाई खत्म हो गई रहे, युद्ध खत्म हो गई रहे। जब युद्ध खत्म हो गई तो वही बेरा जौन अश्वस्थामा रहे, दुगो सेना रहे, कौरव के सेना पांडव के सेना अलग रहे, तो अश्वस्थामा नाम के एक सेनापति रहे जौन कौरव के सेनापति रहे, हाँ दुर्योधन के सेनापति रहे। तो ऊ का कैलस कि लड़ाई खत्म होला के बाद सब केहू रात में जब सुतल रहे, तो वही बेरा अश्वस्थामा गईल आ पांडव के पांच गो बेटा रह ले लो, सब केहू अपना अपना छावनी में सुत रह ले लो। हाँ, आधी रात के वक्त अश्वस्थामा गईल आ सब सुतल पांच गो बेटा लोग के, पांडव के पांच गो बेटा के सब जना के मार देलस। हाँ, आ उ पांचों बेटा के जोन माई रहली उ द्रौपदी रहली। द्रौपदी के रउआ लोग जानतनी नो महाभारत कथा में द्रौपदी, तो द्रौपदी के ही पांच बेटा रह ले लो, तो पांचों बेटा के अश्वस्थामा मार देलस। अब सुबह में जब लोग देखलस कि सब बेटा मर गए बड़े सन पांचों, तो बहुत लोग दुखी हो गए, है न, रोए लागल, चिल्लाए लागल। आ वही बेरा द्रौपदी जी बहुत, अब माई के तो दर्द तो होला नो, माई के दर्द तो हुई, ओकर बेटा अगर मर जाए तो ओकरा दर्द तो बहुत हुई। तो द्रौपदी इतना दुखी हो गईली कि उनका मन में ये बात उठल कि अगर भविष्य में
कौनो माई के जौन भी लड़का होखी असन ओकनी के उमर लंबा के ना होई ओकरा खातिर एक माँ का कर सकतारी। अनु ई मन में वहां के प्रश्न उठल कि माई का कर सकतारी। इहे बात सोच कर द्रौपदी जातानी एगो ऋषि रहनी ओ बरा धौम में नाम रहे, वहां के नाम धौम में ऋषि। धौम में ऋषि के पास वहां के गई नहीं द्रौपदी जी, आ जाके पूछ नहीं कि हम का करी। आ ऐसा स्थिति में एक माई कौन सा उपवास करस, कौन सा व्रत करस ताकि उनका लड़का लोग के उम्र लंबा हुई। ई जाकर द्रौपदी जी पूछनी धौम में ऋषि से, तो धौम में ऋषि एक बड़ी सुंदर कथा सुनैनी। धौम में ऋषि क्या कहनी कि सतयुग में, सतयुग जौना युग में सब कुछ सब केहू सच्चाई पे चलेला, सब केहू के मन में सब केहू खातिर अच्छा अच्छा भाव रहेला, है ना, नेक दिल ईमानदार लोग रहेला सतयुग में। हाँ, तो सतयुग के समय में एक राजा रहले, उनकर नाम रहे जीमूतवाहन। का नाम रहे? का नाम रहे? जीमूतवाहन। जीमूतवाहन की पूजा करे नहीं लोगिन? अभी जीवतिया में उहे के पूजा होला न, कुश के बना के आ उहा के पूजा कइल जला। तो यहाँ के जीमूतवाहन के पूजा काहे होला, वही खातिर वहां के धौम्य ऋषि बताओ तनी कि काहे वहां के पूजा होला, वहां के पूजा कैला से का हुई। तो जीमूतवाहन एक बार अपना ससुराल गई रहनी, ससुराल जब वहां के गई रहनी तो वही जब अपने घरे रहनी है ना, रात में सुतल रहनी, तो रात में एगो बूढ़ी माई के रोए के आवाज सुनाई देलस। अनु रात में केहू रोएला तो दूर तक आवाज चल जाला, अनु रात में धीरे से भी बोलेम तो दूर तक सुनाई दी। ठीक बनु, तो जब वहां के बूढ़ी माई के रोए के आवाज जीमूतवाहन राजा के कान में गईल तो राजा के नींद खुल गई। और राजा लगले पता करे कि आखिर एक के माई बाड़ी, कौन माई बाड़ी जौन रोअतारी रात में, सबके सुतल बटे वो अकेले का ही गांव में रोअतारी। तो आवाज के पीछा करत करत, जेने से आवाज आवत रहे रोए के, वो आवाज के पीछा करत करत जीमूतवाहन राजा ओइजा पहुंच गई नी जहां पे वो माई के झोपड़ी रहे। तो झोपड़ी के लगे बाहर जब पहुंचनी तो आवाज आई कि एही के अंदर वो रोअतानी। हाँ, तब जीमूतवाहन आई। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश के, राजा जीमूतवाहन के पुत्र जीविका व्रत की जय हो। तब राजा के जब आवाज आई रात में कि भाई कौन ई बूढ़ी माई रोअतानी और भी आधी रात में, तब राजा के मन में बड़ा दुख भइल। और राजा लगनी वहां के झोपड़ी में गईनी आ जाके पूछनी। तो झोपड़ी में जब अंदर गईनी तो देखनी कि जोन बूढ़ी माई बड़ी बैठ के रोअतारी। हाँ, तब वो पूछनी कि हे माई रोवा काहे रोअतानी, रोए के कारण का बटे। तो जोन माई रहली वो कहतारी कि हम अपना बेटा के वियोग में रोअतानी, है ना, बेटा हमरा से दूर हो गइल बा वही से हम रोअतानी। तो वहां के पूछनी कि बेटा के का भइल बा, तो बेटा हमरा से बिछोड़ गइल बाटे, है ना, बेटा अब हमरा लगे नहीं खे। तो वहां कहनी का भइल बेटा के, बेटा के का हो गइल। तो उजन माई बाड़ी वो कहतनी कि हे बाबू रउआ ये गांव में पहली बार आइल बनी वही से रउआ नहीं खे पता, एक गांव में एगो गरुड़ रोज आवेला। कौन सी आवेला? गरुड़। गरुड़ जानता नहीं नु कैसन होला? बड़का बड़का पंख होकर होला, जेंगा चील बाज होले सन नु बाज, वहींगा बड़का बड़का। लेकिन एक गरुड़ कौन गरुड़ है? ये साधारण बाज ना है, ये बड़का गरुड़ है, ये भगवान विष्णु के सवारी है, भगवान विष्णु के, है ना, वो गरुड़ है। तो वो गरुड़ रोज आवेला हमारा गाँव में, और रोज आके एजा के लड़का लोग के उ खा जाला। जब आवेला तो यही जाके जो लड़का बड़े लोग ओकरा के खा के वो अपन पेट भरेला। आ ये चलता बहुत सालों से ही चल रहल बटे। आ धीरे धीरे हमनी के गांव के सब लड़का खत्म होते जाता रहे सन, वही में हमार बेटा भी चल गई, है ना, केहू बचावेला नहीं खे। जब ये बात
माई कहली तो जिमूत वाहन राजा के बड़ा दुख भइल। राजा के बड़ा दुख भइल कि भाई हम एकरा में का कर सकतानी। जेगा होला नु माली केहू के दुख रउआ सोने में, तो मन में इच्छा हुई कि हम एकरा में कुछ कर सकतानी का, ताकि यहाँ के दुख मिट जाओ। ई होला नु एगा मन में भाव, तो ओहिगा जिमूत वाहन राजा के मन में भाव आई। लेकिन कुछ समझ में ना आई कि आखिर केगा वहां के दुख खत्म हुई, आईजा के लैका लोग मरत तारे लोग, ओकरा के हम केगा बचाए। तो जब कुछो ना समझ में आये तो जिमूत वाहन राजा कहनी वो माई के हाथ जोड़ कर कि हे माई, हम कुछ कोशिश कर तानी, हम प्रयास करें, ठीक बा, हम प्रयास कर तानी, देखी का होता। ई कह के जिमूत वाहन राजा चल गईनी। राजा जब चल गईनी तो राजा जब दिन भइल तो वही जगह पर पहुंचनी जहां रोज गरुण आवे। हाँ, रोज जहां गरुड़ आवे वही स्थान पे राजा पहुंच गईनी। अब राजा जब पहुंचनी तो देखतनी कि गरुड़ पहले से ओइजा जो लैका लोग के देह पड़ रहे, हाँ, ओकरा के गरुड़ खात रहे पहले से ही। तो राजा जब जातनी तो वहां के का कहनी कि गरुड़ के लगे जाके लेट गईनी, सूत गईनी ओइजा गरुड़ के लगे जाके, हाँ नो, जाके सूत गईनी। अब गरुड़ जब देखलस कि ई तो बड़का एकदम ताजा ताजा मांस आइल बाटे, हन कैसे जौन पुराना सब रहे उ सब पुरान पुरान रहे मरल आदमी के, लेकिन ई तो बिल्कुल ताजा ताजा आदमी आ गई। आजिमुत वाहन राजा बड़ा सुंदर राजा रहनी, तो वहां के देख के उ तुरंत से सब खाना छोड़ देलस आ जिमूत वाहन राजा के खाइल शुरू कर देलस। हाँ, तो जिमूत वाहन राजा हे करवट सुतो रहनी, मतलब हे दाहिने करवट नीचे कके हई वाला ऊपर रहे बाया वाला, हाँ नो, बाया करवट कके ओकरा सामने सुत गईनी, चोच ओकरा सामने रहे। तो लागल ई है खाए, हई देहिया लागल उनकर बाया हिस्सा के जो देह रहे उ बाज खाई शुरू कर देलस। धीरे धीरे काट काट के खाए लागल मांस, हाँ नो, जब पूरा मांस खा गई तो हड्डी हड्डी खाली बच गई रहे। जब हड्डी बच गई तो अब हड्डी का खाई, हाँ नो, तो खाली मांस खाए। तो राजा जब देखनी कि हमार पूरा आधा देह एने के बाया हिस्सा के खा गई बा, तो राजा करवट लेनी आ दाहिना अपना हिस्सा के अंग के फिर से ओकरा मुंह के लगे क देनी, ठीक बा। जबकि राजा के जब काटत रहे तो दर्द होखे वहां के, अब केहू के काटी, हाँ नो, कटला के बाद से तो दर्द होला नो, तो दर्द होत रहे, लेकिन फिर भी वो देखनी कि राजा अपना करवट लेके अपना दाहिना हिस्सा के सामने क दे ले गरुड़ के मुंह के सामने, आ गरुड़ दाहिना हिस्सा के भी खाइल शुरू क देलस। जब वो थोड़ा सा खैलस तब अचानक ओकरा मन में कौन कुछ बात आई कि भाई ऐसन आदमी तो हम आज तक देखनी ना, हाँ नो, कैसे एकरा से पहले जौना आदमी के हम बुलाई या ओकरा के पकड़ के लाई तो केहू आवे के ना चाहे। अब सोची केहू चाहे कि हम जाके मर जाई, केहू ना चाहे कि हम जाके मरी, तो उहो के ना केहू ना आवे के चाहत रहे। लेकिन जब राजा देखनी कि पहली बार ऐसन एगो आदमी हमरा लगे आइल बा जौना के हम पकड़ के ना ले आई, हम पकड़ के नहीं ले आई, अपने से चल कर आइल बा, अब सोची लोग इनकी मौत के लगे केहू जाई, हनु शमशान घाट बाटे या पता बाटे कि मरे के बा जा तो केहू जाई, लेकिन जिमूत वाहन राजा अपने से चल गए रहना। तो गरुड़ के बड़ा आश्चर्य भइल कि ई केंगा हो गई। तो गरुड़ खाइल बंद क के आ पूछतानी कि हे देव, गरुड़ कहतानी कि हे देव तुम कौन हो, मतलब आप कौन हैं, हाँ, किस कुल खानदान से हैं, क्या परिचय है, आप इंसान नहीं हैं, आप मनुष्य नहीं हैं, आप जरूर कोई देवता हैं। गरुड़ कहले कि आप मनुष्य नहीं हैं, जरूर कोई देवता हैं। तो अब जिमूत वाहन राजा के तो आधा देह तक खा चुकल रहे, मतलब आधा तो वहां के मरिए गए रहनी, आधा बाच रहे देह, आ दर्द भी होत रहे, केहू के देह कटी तो पीड़ा से राहत भी रहनी अंदर अंदर। तर जिमूत वाहन राजा कहनी कि हे गरुड़ देव,
आप कुछ मत पूछिए। जिमूत वाहन राजा कहतनी कुछ मत पूछी, कौनो प्रश्न अप्रश्न के उत्तर में समय बर्बाद मत करी। मतलब जिमूत वाहन राजा कहतरे कि पूछताछ करे में समय बर्बाद मत करी, चुपचाप आराम से हमार मांस खाई। काहे अपन समय बर्बाद करत नहीं, रउआ खाए के बटे भर पेट खाना खाली खाली हमरा के हमार मांस बटे तैयार खाली। तो जब वो कहता नहीं जिमूत वाहन राजा कि भाई ऐसन केहू आदमी थोड़े होला कि अपने देह के कहता हमरा के मुआई हमरा के खाई अशांति से खाली, काहे के सवाल जवाब करता नहीं। तब तब वरुण जौन बड़े गरुड़ बड़े वो खाइल बंद कर दे आ कहले कि ना हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पहले बताइए कि आप कौन है, पहले आप बताइए कि आप कौन है, आपका कुल खानदान क्या है, आप कहां से आए हैं। तो जब गरुड़ देव जब जिद कैले पूछ ले तब जिमूत वाहन राजा कहतनी कि मेरा नाम जिमूत वाहन है, हम राजा हैं, मेरे पिताजी का नाम सालीवान है, पिताजी का नाम सौम्या मेरी माँ का नाम है, हाँ, और मैं सूर्यवंशी हूं। कौन सा वंशी? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी भगवान कौन बानी, कौन भगवान बानी, नाम याद बा? भगवान राम के सूर्यवंशी भगवान कहल जाला, भगवान राम के सूर्यवंशी। कृष्ण भगवान के का कहल जाला? चंद्रवंशी। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी है, भगवान राम सूर्यवंशी है। तो सूर्य वही सूर्यवंश के राजा उहो के रहनी जिमूत वाहन। तो गरुड़ देव कहता रे कि हम आपसे प्रसन्न हो गए, हम आपसे खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए, अब हम नहीं खाएंगे आपको। तो जिमूत वाहन राजा जब देखने की खाइल बंद कर दे ले अब कहता रे हम नहीं खाएंगे वरदान मांगिए, तो जिमूत वाहन राजा हाथ जोड़कर कहता नहीं कि हे गरुड़ देव अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो पहला वरदान तो ये दीजिए कि इस गांव में अब दोबारा किसी को आप नहीं खाइएगा। पहला वरदान कौन सी रहे, ए गांव में केहू के कोनो लड़का के रुआ ना खाए, यह वरदान रहे, ठीक बा। दूसर वरदान ये कि जितना लड़का लोग के रुआ खैले बानी उस सब केहू के फिर से जीवन दान दे दी। कौन सी दे दी? जीवन दान दे दी। एकरा मतलब का भेल, सब केहू के फिर से जिला दी, जिंदा कर दी, ठीक बा। जब ये बात जिमूत वाहन राजा कहनी तो अब तो वहां के अपना बोली दे देले रहनी, नु जुबान तो दे देले रहनी, वचन दे देले रहनी। अब वचन के तो केहूंगा पूरा करे के बट, वरदान के तो पूरा कइल जाला नु, ओकरा में तो केहू मना नहीं कर सकत। तो जौन ई बातवा रहे कि छोड़ दे अब केहू के ना खाएमी तो बड़ा आसान रहे, लेकिन जिंदा को दियल केहू के ई तो बड़ा मुश्किल बा। मरा मरला के बाद कहाँ केहू के जिंदा कइल जा सकेला, लेकिन मुश्किल रहे। मगर वरदान दे देनी कहनी कि भाई वरदान जो मांगिएगा हम पूरा करेंगे, तो अपने ही वादा में वहां के फंस गई नी। अब वहां के केहूंगा पूरा करे के रहे, अब वो लगनी सोचे कि अब हम कैसे पूरा करेंगे ये। तब अचानक गरुड़ देव के याद आईल कि नागलोक, नागलोक जन होला न जे में नागलोक रहेला, देखे नी नाग सब जन होले सन्नू बहुत लंबा लंबा उम्र होला, इच्छाधारी नाग और कौन तरह के नाग होला, बड़ा इच्छाधारी बहुत लंबा लंबा उम्र उलो के होला। तो ई बात मानल जाला कि नागलोक में जौन पताल में है धरती के नीचे नागलोक होला, वैसे तो नीचे ही तो सब नाग रहेला लोग, सांप जितना सांप रहेला वो नीचे ही तो रहेला। तो नागलोक में आउ कई बार गरुड़ देव गई रहनी नागलोक में, गरुड़ नाग के खा जानी, सांप के गरुड़ खाए नहीं। तो गरुड़ देव देखले रहनी नागलोक के, तो नागलोक में वहां के पता रहे कि नागलोक में अमृत है, अमृत वही जब मिलेला नागलोक में। तो अमृत खातिर गरुड़ देव वही जैसे उड़ान भरनी और नागलोक चल गई नहीं।
नाग लोक जाकर अमृत के कलश लेकर आईनी, अमृत के कलश पकड़ के लेकर आईनी, अल्लाह के उकरा वहां के आकाश में उजा वही गांव के ऊपर उड़नी, आ पूरा अमृत चारों तरफ जितना लाश रहे हड्डी रहे जितना लोग मरा रहे पूरा गांव पे अमृत के वर्षा करवा देनी। अमृत के वर्षा जब भइल तुरंत से सारा लड़का लोग जितना मरा रहले लोग पहले के उस सब फिर से एक बार जिंदा हो गए लोग। अब फिर से एक बार सब लोग अपन अपना अपना घर भाग भाग के अपना माई के अपना बाबूजी के अपना भाई बहन के सबके ऊपर से मिलल शुरू कर दिल। अचानक से जौन पूरा गांव रोत रहे वो अचानक से वो गांव में खूब किलकारी खूब खुशी खूब महोत्सव जैसन हो गए उत्सव जैसन हो गए चारों तरफ से खुशी ही खुशी हो गए। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन राजा की ज्योतिया व्रत की। उ जौन दिन भई रहे जौना दिन अमृत के वर्षा भइल आ सारा पुत्र लोग लड़का लोग जीवित हो गए लोग उ दिन आजे के रहे। आजे उहे सप्तमी अष्टमी नवमी के जौन दिन रहे अश्विन महीना। ई कौन महीना चलता का बोलल जला हाँ कुआर चलता नो हाँ नो अश्विन एकरा के बोलल जला अश्विन महीना। तो अश्विन महीना में इहे तिथि के आज ही के दिन अमृत के वर्षा भई रहे आ गरुड़ देव सब केहू के मुक्ति दे देनी। तो आज ही के दिन उस शुभ घड़ी भई रहे आज ही के दिन वो घटना घट रहे आज ही के दिन फिर से जीवन दान मिलल रहे आज ही के दिन गरुड़ देव लोग के मारल बंद कर देनी। और गरुड़ देव जीमूत वाहन राजा के कहनी कि आपके कारण है ना आपके कारण इतने बच्चे फिर से जिंदा हो गए आपके कारण इस गांव में अब हम किसी को नहीं मारेंगे आपके कारण इस गांव में अब हम किसी को नहीं मारेंगे यानी इस गांव में खुशी लाने वाले अगर कोई हैं तो कौन है जीमूत वाहन राजा। हाँ तो आपके कारण से खुशी आई है आपके कारण से खुशी आई है तो इस धरती पर इस तिथि से आप ही की पूजा जो कोई भी माँ करेगी जो कोई भी माँ इस तिथि में जीमूत वाहन राजा की कुश की प्रतिमा बनाकर पूजा करेगी वो माँ उस माँ के जो बच्चे होंगे वो दीर्घायु होंगे उसकी उम्र लंबी होगी वो बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे यानी तरक्की उनकी होगी। ऐसा वरदान गरुड़ देव देनी जीमूत वाहन राजा के आ कह देनी दुनिया खातिर कि आने वाला समय में जे केहू भी राउर पूजा करी आज से और आज के तिथि में ओकर उम्र लंबा होई ओकरा संतान के उम्र लंबा होई। आ जाए से पहले जब गरुड़ देव जावे वाला रहनी तो जाए से पहले वहां के चूंकि आधा देह तो कट गई रहे नो आधा देह तो गरुड़ देव खा गई रहले अब आधा ही देह बाचल रहे तो गरुड़ देव फिर से आशीर्वाद देनी और जीमूत वाहन राजा के देह खूब सुंदर हो गई फिर से मांस आ गई खूब सुंदर हो गई इतना सुंदर हो गई देह जितना जीमूत वाहन राजा पहले रहनी ओकरा से दुगुना सुंदर हो गई है ना। तो प्रेम से बोलिए गरुड़ देव महाराज की जीमूत वाहन राजा की पुत्र जीविका व्रत की। तो वरदान मिलल और वहां के देह सुंदर हो गई गांव श्राप से मुक्त हो गई आजीवन दान मिल गई। तो ई बात जब धौम्य ऋषि ई कथा केकरा के सुनावता नी के सुनत रहे कथा द्रौपदी जी याद बा द्रौपदी जी के ई कथा सुनावल गई। द्रौपदी जी काहे के गई रहनी कथा सुने खातिर कैसे वहां के बहुत दुखी रहनी आ वहां के का भई रहे पांच गो बेटा का भई रहे मर गए रहले लोग अब वो पांच गो बेटा मर गए लोग अब बेटा लोग के उम्र लंबा केंगा होई एकरे बारे में पूछे खातिर वहां के गई रहनी। अब देवी द्रौपदी काहे ही पूछे गई नहीं खाली वहां के पांच गो बेटा ना मरा रहे महाभारत के लड़ाई में दोनों तरफ से जब लड़ाई भई रहे महाभारत के तो ओई में लाखों लाख लोग लड़ाई करत रहे
बहुत बड़का लड़ाई रहे, है ना, लाखों लाख लोग लड़ाई करते रहे दोनों तरफ से। अब लड़ाई जब हुई तो में लड़ाई के लड़ेला, पुरुषे न लड़ेला, लोग घर के जो लड़का बड़े लोग नौजवान बड़े हुए तो लड़ाई करे जाए लोग नो, तो वही बीच में लड़ाई होते रहे। आ लड़ाई में केहू ना केहू तो मरी, इत निश्चित बा। तो जे भी मरे वो कोना न कोनो न कोनो घर के लड़का ही तो मरे लोग, है ना। तो बहुत लड़का सब मतलब भारत के देश के धरती के खत्म हो गए लोग, लाखों लाख लाश के लाश गिर गए रहे। माई लोग जन रहे वो बड़ा बूढ़ी माई लोग रहे, वो लोग कहे बार बार कि माई जिंदा बाड़ी और वहां के आंख के सामने लड़का लोग मर गए, है ना। माई जिंदा बाल अब लड़का लोग मर गई तो ई केंगा हुई, ई तो ठीक बात नहीं है ना कि माई के रहते उनकर बेटा मर जाओ, लेकिन लड़ाई में तो सब मर गए लोग। अब वही खातिर द्रौपदी जी पूछे गई रहनी कि भाई ऐसा कुछ उपाय बताई जेकरा कारण से लड़का लोग के लंबा उम्र होखो, मतलब ए तरह के कोनो समस्या ना होखो, ई बात वहां के पूछे गई रहनी। तब वहां के बताईनी धौम्य ऋषि कहनी कि रउआ जीवतिया व्रत जीवित पुत्रिका व्रत अगर करेम, हनु आ जीमुत वाहन राजा के पूजा करेम, सतमी अष्टमी नवमी के जोन तिथि होला निर्धारित तिथि, मतलब जैसे बाटे कि मिथिला में अलग तिथि बाही जा थोड़ा अलग बाटे, लेकिन सप्तमी अष्टमी नवमी यही बीच में बानु, एकरा से अलग तो नहीं है, बीच में होता, थोड़ा सा कुछ आगे बा थोड़ा सा कुछ पीछे बा। तो जौन नियम बनी वो नियम के अनुसार से जौन माता जी लोग मन के शुद्ध करके ई पूजा करी लोग, ओकरा जीवन में कल्याण हुई, ओकरा घर में बरकत हुई, ओकरा लड़का लोग के उम्र लंबा हुई, ओकर लड़का लोग जिंदगी में बढ़िया करी लोग, यह वहां के कहानी। तो पहली बार जीवतिया व्रत के कैलस द्रौपदी, देवी द्रौपदी, प्रेम से बोलिए देवी द्रौपदी की, पहली बार उहे के कैनी जीवतिया व्रत महाभारत के युद्ध के बाद। एकरा मतलब ई जौन पर्व रउआ लोग करतनी उ केतना हजार साल से चलता, लगभग 5-5.5 हजार साल से ई व्रत चलता, आ माई लोग ई व्रत करेनी, आ तब से लड़का लोग के उम्र खातिर ई व्रत चल रहा बाटे। तो देवी द्रौपदी पहली स्त्री बानी, पहली माई बानी जो वहां के कैनी, आ ओकरा बाद से धीरे धीरे ई परंपरा चलल। अब देवी द्रौपदी कैनी तो वहां के ओकर फल भी मिलल, है ना, देवी द्रौपदी जब कैनी तो फल भी मिलल, पांच गो लड़का तो मर गए लोग, ठीक बा। लेकिन वहां के जौन लड़का के एथी रहे, लड़का जन्म अभी पेट में रहे बहू के पेट में, ओकरा ऊपर भी हमला क देले रहे उहे अश्वस्थामा। पहले द्रौपदी माई के पांच गो बेटा के मुआ देलस, ओकरा बाद उहां के जौन पोता जन्म लेवे वाला रहे जौन अभी गर्भ में रहे ओकरा ऊपर भी हमला क देले रहे मारे खातिर। लेकिन वहां के व्रत कैनी, अब भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान रहनी, तो भगवान श्री कृष्ण के व्रत से भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद मिलल, आ वही आशीर्वाद से उ लड़का जौन गर्भ में मर गई रहे ओकरा के भगवान श्री कृष्ण फिर से जीवित कैनी, आ वो जिंदा भइल। उहे लड़का के नाम बाद में राजा परीक्षित भइल, उहे अकेले एगो लड़का वहां के घर में बचल, ना तो पूरा खानदान खत्म रहे, ओकरा बाद केहू राजा ना बनी। उहे एगो लड़का बचल जौना के नाम रहे राजा परीक्षित, बाद में उहे राजा बनल, अकुल खानदान के उहे आगे बढ़ेलस। हाँ, तब से ही व्रत चलता। लेकिन ये व्रत के नियम कौन सी बाटे, ये व्रत के का एथी बा, ये व्रत के नियम ई बा कि ई निर्जला व्रत होला। कौन व्रत होला? निर्जला। पानी नहीं पिए के नो? ठीक बा, बिल्कुल नहीं पिए के। हाँ, पानी काहे ना पियल जला? ताकों के नहीं, ताकों के नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया कहानी, ताकों के नहीं। अब ये गौरी तनी तो जोड़ ली कि सोचे हूं के नहीं खे ई ना कि मन से पानी पियो तानी। हाँ, एगो एगो बहन जी से हमरा भेंट भई रहे कुछ साल पहले,
तो बहन जी वो दिन उपवास कैले रहनी है न, खाना उना ना खाए के रहे, लेकिन साझी के वो जात रहनी बाजारे। तो हम पूछनी कहाँ जातनी, तो कहतनी जातनी आलू खरीदे। हमले भाई काहे खाते, तो आलू के सब्जी बनाएम, आलू के भुजिया। हमले आज तो उपवास बा, तो ना काल बनाएम नु। तो वहाँ का कहनी, हम पूछने का बनाएम, तो कहतनी दाल भात आलू के खूब बढ़िया तेल डालल भुजिया। जहिया उपवास करेनी ओकरा दूसरा दिन ये खानी, तो काल खाए के बाद तो आजे तैयारी करे जातनी। अब एक बात बताई कि वहाँ के उपवास करत रहनी कि दाल भात भुजिया के तैयारी करत रहनी। हेजा का चलत रहे, हेजा दाल भात भुजिया चलत रहे नु, तबे तो तैयारी करत रहनी। मन वही पर रहे, एक खूब दांत के लगे जब भुजिया जाई तो कर कर करी तो मजा आई खाए में। हाँ, तो वही ना रउआ जन कहनी आ कि ताकहू के नहीं खे। अब ठीक बा, ताकत नहीं थी, आंखे में मन बंदे बंद कोयले कोयले पियो तनी, गटर 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 पिया। सोचहू के नहीं खे, है ना, सोचहू के नहीं खे पानी के बारे में। अब एक बात सोची, काहे ना पानी पियल जाला, इहो तो बात सोचे के बटे नो। आखिर पानी पी लेला से का हो जाई? हाँ, आप पानी अगर ना पियम तो का हुई? मेन बात तो ई बटे, आखिर ई कोनो नियम बनल बते, नियम के पीछे कुछ कारण तो होखी नो, का कारण बा? सब माई जानता नहीं, माई ये बतावे नहीं। हाँ, तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की, भगवान शिव शंभु की जय। कभी भी ध्यान रखे हम लोग, पानी जौन होला नु, पानी के जौन रिश्ता बा, पानी के संबंध मन से होला। रउआ जौन अन्न खानी नु, जौन अन्न रउआ खानी, दाल भात भुजिया जौन भी खाई, हाँ, कचौड़ी पकौड़ी पुआ, हाँ, वो सब मुंह में पानी ना आवे के चाहिए, ये सब सुन के। हाँ, इना के जिलेबी याद करता नहीं है, आहोवे को आवेलन गोलगप्पा खट्टा पानी ना, वो सब मत याद करे। वो तो हम कथा में कह देता नहीं, लेकिन रउआ सोचे मत, इना के अंदर चले लगल। नहीं की चिकले। हाँ, अच्छा तो अच्छा रहुआ चिखले नहीं की तो केंगा पता बाटे कि वो होला, मतलब कान से तो रहुआ चिख ले बानी। हाँ, तो कनवा से चिखले बानी नुकी खट लगेला। ठीक बा, हाँ ठीक बा। तो देखिए, हाँ, मन के एकदम स्थिर रखने के बाद अब देखिए क्या हुई। जौन रउ खाना खानी नु, जौन भी रउ खाना खानी, ओकरा से राउर देह बनेला। अन्न के संबंध तन से, अन्न के संबंध तन से बा, लेकिन पानी के संबंध मन से होला। पानी के संबंध मन से होला। जैसन अन्न खाम वैसन तन बनी, आ जैसन जल पियम वैसन मन बनी, है ना। अगर पानी अच्छा पियम तो मन भी शांत रही, अच्छा रही। अगर पानी गंदा पी लेम तो मन भी गंदा हो जाई, मन में अनेक तरह के विचार आई। अब मन पानी जोन होला नु, उ मन के भगावेला दौड़ावेला शक्ति देला, पानी से मन के शक्ति मिलेला। अब हमनी के जोन ऋषि मुनि महात्मा माता रानी भगवान शिव शंभु ई सब लोग नियम बनैलस कि आज पानी नहीं खे पिए के। अब पानी नहीं खे पिए के तका हुई, अन्न से तन बनी, आज जल से मन बनी। अब जल ना पिए तो मन का हुई, शक्ति मिली। अब शक्ति ना मिली मन के, तो उछली कूदी, कहीं भागी, कहीं दौड़ी, कहीं जाई, घर में बैठल बनी बाजार चल गई, हाँ होला कि ना। हाँ, का एक दिन में एक नहीं खे मिला तो सब क्यों शांत बनी कि ना। अच्छा एक बात बताई, आज कौनो काम नहीं खे तो
अब एक बात सोची, थोड़ा रउआ अपना मन में झांक के देखी कि आज रउआ सवेरे से जब ये निर्जला व्रत कर कैनी आ, तब से रउआ मन में करता कि कहीं जाके कुछ बतिया ली, केहू के सुन ली, केहू के चुगली कर ली, कहीं जाई, मन करता? मन शांत भइल बा कि ना? आज मन शांत बा कि ना? कितना लोग के मन शांत बा, तनी हाथ उठाई जेकर मन आज शांत बा। आई देखिए हीलो के भी शांत बा। ठीक बा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओई से नियम बनल कि निर्जला व्रत कइल जाई, जौन माता लोग निर्जला व्रत करी लोग ओकर मन शांत हो जाई, और जौन मन शांत होला, जौन मन शांत होला उहे मन भगवान में लागेला। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की, भगवान शिव शंभु की, माध्य भगवती की जय। तो मन के शांत करे खातिर निर्जला व्रत कइल जाला, ठीक बा। अतन में अगर हम खाना ना खाएं तो शक्ति ना बढ़ी, कहीं आए जाए के मन ना करी, तो तन भी शांत और मन भी शांत, दोनों शांत हो गए। दोनों जब शांत हुई तब ही अंदर भगवान के तरफ हमने के बढ़ल जाए। रउआ देखे नहीं कभी, जौन आदमी बीमार रहेला, कमजोर रहेला, वो कहीं एक जगह रुकेला, आ जेकरा देह में शक्ति बहुत रहेला ओकरा घर में मन ना लागेला, वो भाग के जाई बाहर, होला कि ना? जेकरा जेब में पैसा नहीं खे वो चुपचाप घरे में रहेला, आ जौन साग रोटी जौन बनी ओकरा के वो खा ली, प्रेम से खाई, आ जहिया पैसा आ जाई वो दिन उहे घरवा के साग रोटी अच्छा ना लगे, ओकरा बाद मन करी तनी बाहर के खाई, होला ना? तो मतलब पैसा जब आई तब आदमी के मन भागी, शक्ति जब आई तब आदमी के मन भागी। तो देखी आज तो शक्ति भी नहीं खे, कमजोरी आ गई, पानी नहीं खे पियो तो मन शांत हो गई। अब जब मन शांत हो गई तो राउर ध्यान कहाँ बा? फिजूल के बात में मन तो नहीं खे जातु आज। आज केहू की शिकायत न सुने में इच्छा होता, न कहे के इच्छा होता, कुछ करे के नहीं खे इच्छा होता, तब ओ बरा का करे के चाहिए? व्रत करता नहीं, तो व्रत के ज्यादा लाभ लेवे के बाटे। अगर ज्यादा लाभ चाहता नहीं, चूंकि ये व्रत अभी चलता तो कबले चली, कबले चली सुबह में, सवेरे तक चली नू, पूरा रात बाकी बा। तो मान ली कि रउआ अगर कोनो बात ना करें तो का करें अकेले बैठ के? तो माता रानी कहता नहीं, दुर्गा मैया का कहले बनी कि जब रउआ अकेले रही केहू से बात मत करी व्रत में, ओ बरा खाली भगवान के ध्यान करी, भगवान के जाप करी। तो रउआ लोगिन के घर में कोनो माला हो, को माला हुई तो माला ले लेम लोगिन, अब बैठ के भगवान के जाप करी। अगर राम राम के करे के बाद तो राम राम, राम राम जाप करता नहीं, गायत्री मंत्र के जाप करे के बाद गायत्री मंत्र के जाप कर ली, ओम के करे के बाद ओम कर ली, जौन भी देवी देवता के केहू के प्रति श्रद्धा होगी ओकरे जाप राउर कलेम, जितना करेम उतना ही पुण्य प्रताप मिली, ठीक बा। वही से कथा के कहल गई, कथा, कथा काहे खातिर? कथा के मतलब होला कि जब केहू कथा सुनेला तो रउआ सुनता नहीं, तो सुन के रउआ वो कहानी के जब सुनता नहीं, तो द्रौपदी माता के कहानी जब सुनता नहीं तो द्रौपदी माता के पीड़ा के भी समझता नहीं, रउआ दर्द बुझाता कि ना? मरल तो रहे वहां के पांच को बेटा, लेकिन दर्द रउआ लोगन के होता कि ना? होता नु दर्द? तो ए बरा रउआ द्रौपदी माता के सुनत नहीं कि रउओ द्रौपदी माता हो गई बनी, हो गई नहीं कि ना? जब राजा जिमूत वाहन के देह के गरुड़ काटत रहे, जिमूत वाहन के देह के गरुड़ काटत रहे तो वहां के देह काटत रहे नु, लेकिन रउआ लोगन के दर्द होता कि ना? सोच के रउआ सोच के भी बुझाता कि जैसे हमरे देहिया काटता हनु, एंगा गरुड़ रउआ महसूस होता, ठीक बा। आज सोची जरा कि जब गरुड़ कहले कि भाई हम आज के बाद किसी को नहीं मारेंगे, तो रउआ वो गांव के तो ना है, लेकिन रउरो मन में खुशी होता नु? काहे खुशी होता? लड़का तो केहू और के जिंदा भइल लो, रउआ लोग इनके लड़का ना रहे, लेकिन माई तो माइये होले हमेशा कहीं के भी रहे,
उ माई के जितना खुशी भइल होखी ओ गांव के माई लोग के उतना खुशी रउआ लोगिन महसूस करत अनिनो। तो अब देखी, अब सवाल ई बाटे ई कथा में, ई बड़ा बहुत गहरा मर्म वाला कथा बा, ई रहस्य बा एकरा में, ई खाली कथा मत समझी, एकरा में बहुत रहस्य बा। अब रहस्य ई बा कि जौन मांसाहारी बाटे जानवर, गरुड़ कौन ची होन पर मांसाहारी, उ मांसे खा ले, ठीक बा। अब जरा सोची कि गरुड़ रोज आदमी के मांस खाता रहे रोज, लेकिन गरुड़ के लगे जब एक आदमी आइल, वो आपन देह दे देता और वो कहता कि हमरा के रउआ खा जाई, मांस ताजा बा, देह ताजा बा, बढ़िया सुंदर शरीर बा, खाए में स्वाद अच्छा लगता, तब गरुड़ काहे छोड़ देनी। सोचे के विचार बा, काहे गरुड़ छोड़नी, गरुड़ गरु कहल जाला माई के, दुर्गा माई जन बानी नु, अभी दशहरा दुर्गा पूजा आवता नु, दुर्गा पूजा में दुर्गा माई के जन मूर्ति लागेला, तो मूर्ति में रउआ लोग इन देखले बानी एगो राक्षस के भी मूर्ति रहेला, ओकर का नाम बटे महिषासुर, ओकरा महिषासुर भी बोल जलल, ठीक बा, महिषासुर। तो महिषासुर राक्षस भी बाटे, उ महिषासुर राक्षस के माई भाला मरले बानी, ओकरा के खत्म कर देनी, मुआ देनी। एगो राक्षस रहे, ओकर नाम रहे रक्त बीज, उ रक्त बीज राक्षस ऐसन रहे कि ओकरा देह कटे नु, ओकर देह अगर कट जाए तो ओकरा देह से खून अगर निकले आ खून अगर धरती पे गिरे तो ओकरे खानी दोसर पैदा हो जाए, ऐसन राक्षस रहे। मतलब ओकरा देह से खून गिरे आ दोसर राक्षस ओकरे खानी पैदा हो गई, एकरा मतलब कि अगर ओकरा के रउआ एक बार भी मार देनी आ दस बूंद भी गिर गई तो दस गो पैदा हो गई। सुन, अब बताई एगो मरी या दस गो पैदा भई, ठीक बा, एगो मरतो नहीं खे, दस गो पैदा भी होता रे। सुन, एंगा कह के जब राक्षस आइल माई के लगे तो माई का कहनी कि मारतानी तो वो तो पैदा होत जाता, एगो के मारतानी हजारों हजार, हजार के मारतानी लाखों लाख पैदा होके लगले। सन, तो माई उ राक्षस के खत्म करे खातिर वहां के एगो हाथ में खप्पर ले ले, बड़का खप्पर हाथ में ले लेनी, आ उ का करी कि राक्षस के जौन रक्त बीज राक्षस जौन कई गो हो गए सन, ओकनी के मारी काटी, आ कटला के बाद ओकरा गर्दन में से जौन खून गिरे नु, वो खूनवा के अपना खप्परवा में रोक देनी, खप्पर में रोक लेनी, आ खप्पर में रोक के खून के माई पी जाता, और खुदे पी गई नी, है ना, तो पियत गई नी माँ, पियत गई नी, अब बाद में चल के सब के खून पी गई नी और अंत में सब राक्षस के मार देनी। तो माई केकरा के मारे नी, माई कहले बनी कि हम अहंकार को मारते हैं, हम पाप को मारते हैं, हम पापी को मारते हैं, हम अत्याचारी को मारते हैं, हम अधर्मी को मारते हैं, ये माई कहले बनी, ठीक बा। अब सोची जरा, भगवान केकरा के मारे नी, पाप के मारे नी, गलत के मारे नी, अधर्म के मारे नी, ठीक बा, जे बहुत अहंकारी बा, दूसरा खातिर अच्छा नहीं के सोचत, दूसरा के नाश करे के चाहता, ओकरा के हम मार देनी। वैसे तो राम जी जब गई नी लंका में, तो लंका ऐसन देश रहे ओई में सब राक्षसे रहले सन, लंका में आदमी ना रहे, लंका में सब राक्षस रहले सन, रावण राक्षस के कुल के रहे, रावण के कुल कौन सा रहे, राक्षस रहे। अब एक बात सोची, राम जी हाथ उठा के शपथ खैले रहनी या बोलले रहनी कि हम धरती से राक्षसों को खत्म कर देंगे, ये राम जी बोलले रहनी, जब सीता माता के अपहरण भइल ओकरा से पहले वहां के कसम खैनी कि हम धरती से राक्षस को खत्म कर देंगे। अब राम जी शपथ लेकर गई रहनी, लेकिन अब जरा सोची कि रावण भी राक्षस और रावण के भाई विभीषण भी राक्षस, अब राक्षस के भाई राक्षसे हुई, गौ माता के, गौ माता के बेटा गौ माता हुई, बकरी के बच्चा बकरिये हुई, तो राक्षस के भाई राक्षसे न हुई, तो राम जी तो कहले रहनी सब राक्षस को खत्म कर देने कर देंगे, तो जब रावण के वहां के मरनी तो विभीषण के काय छोड़ देनी, विभीषण भी राक्षस रहले, राम जी कहले रहनी कि हम राक्षसों को खत्म कर देंगे, लेकिन राम जी जब गईनी या देखनी कहनी राक्षसों में भी कोई अच्छा है, जो राक्षस में अच्छा है उसको हम नहीं खत्म करेंगे। एकरा मतलब
देहिया तो एक जैसन रहे सब केहू के नु, गुणवा कौन सा रहे, अंदर के गुण कैसन बा, अंदर के गुण के श्री राम देख लेनी भगवान श्री राम। आ जब वहां के अंदर के गुण देखनी आ कहनी कि अंदर से ये अच्छा इंसान है, अच्छा है, राक्षस है लेकिन अच्छा है, तो इसको हम नहीं मारे, छोड़ देनी। इहे बात भई रहे राजा जिमूतवाहन के साथ। उ जन गरुड़ रहले उ तो भगवान विष्णु के सवारी, उ मारत रहले खात रहले, लेकिन केकरा के खास, पाप के खास, जे गलत रहे ओकरा के खास। लेकिन अब पहली बार एगो ऐसन देह वाला आदमी आई रहे जौना के मन पवित्र बा, उ मरता अपना खातिर ना, दूसरा खातिर मरता। अब एक बात, दूसरा खातिर, जबकि ये दुनिया में नियम का होला, अपना खुशी खातिर लोग दूसरा के जान ले लेला, ये नु नियम बा ये दुनिया में, कि अपना खुशी खातिर दूसर क्योंकि लोग मुआदी ले लेता। लेकिन जिमूतवाहन राजा ऐसन बानी कि दूसरा के खुशी खातिर अपन जान देवतानी। तो जब ऐसा नेक दिल, साफ दिल वाला कोई आदमी आवेला, तो जौन भगवान बानी उपाप के खानी, अहंकार के खानी, तो गरुड़ जौन सवारी बानी भगवान के, उहो के तो पापे के खानी, तो झांक के देख लेनी। भगवान गरुड़ जौन सवारी बानी वहां के झांक के, मन में झांक के देख लेनी कि इसके मन में कोई पाप नहीं है, इसके मन में कोई पाप नहीं है। अब पाप नहीं है तो खायम के करा के, विभीषण के मन में श्री राम देख लेनी, कोई पाप नहीं है तो कोना के मुआम। यह बात बटे तो एकरा मतलब ये कथा हमनी के का कहता, ये कथा के अनुसार से भगवान एगो बहुत गहरा सूत्र बतावतानी कि जीवन में अगर रउआ चाहतानी कि राउर उम्र लंबा हो को, अगर रउआ चाहतानी कि राउर लैका लोग के उम्र, संतान के उम्र लंबा हो को, अगर वो जीवन में बहुत बढ़िया करे लोग, तो रउआ के का करे के बा, का करे के बा, बढ़िया सोचे के बा, अपना खातिर आ दूसरा खातिर भी। ई ना कि अपना खातिर अच्छा सोचता नहीं आ दूसर केहू खातिर बुरा सोचता नहीं। हाँ, हमरा बेटी के शादी हो जाओ आ दूसरा बेटी के शादी कट जाओ। हाँ तो होला ना वैसन। तो अब देखे, हाँ तो अब देखी माई, इहे कथा के मतलब बा, कथा ई ना कि बैठनी कथा सुन लेनी, एक दिन 24 घंटा उपवास कर लेनी, पानी ना पियनी, खाना ना खैनी, दूसरा दिन से उहे काम शुरू कर देनी, दूसरा दिन से उहे उल्टा सीधा बातचीत, दूसरा दिन से दूसर केहू के बुराई होता तो खूब मजा लेता नहीं, रस लेता नहीं, केहू के शिकायत होता तो खूब रस लेकर शिकायत करता नहीं, चुगली बाटे तो खूब चुगली में लागल बनी, बड़ा मजा आवता। मेरा रू करे लिसन रवो लोग करे नहीं। अच्छा एगो माता, एगो, हाँ एगो सासू माँ के, हाँ एगो सासू माँ के पता चलल कि वहां के सवेरे सवेरे उठ जाई, आ सवेरे सवेरे उठिया बहु कहे लोग घर के कि माई तनी कुछ खा ली, तो ना अभी भूख नहीं खे लागल, हाँ भूख नहीं खे लागल, आ वहां के सवेरे निकली, एक घर के चुगली ओ घर, ओ घर के चुगली ओ घर, पूरा गांव में घूम ली 10-12 बजे ले, आ तो पेट खाली हो जाए, मतलब जितना बोले के रहे सब बोल दी, तो कहीं कि अब खाना दसन उगला देव तो फिर हो जाए। तो ई कथा जोन जीवतिया के कथा बा, ई राजा के जोन कथा बा, जिमूतवाहन राजा यह कहता नहीं कि हमार जान अगर बच गई अच्छा कर्म अच्छा सोच के कारण से, तो केहू के भी जान बच जाए जे अच्छा सोची, मौत भी अगर है ना, मृत्यु भी सामने आ जाओ, तब भी मृत्यु भी देखी कि भाई ई आदमी कैसन बा, अगर वो देखी कि एकरा में कोनो बुराई नहीं खे, एकरा में कोनो पाप नहीं खे, तो कौन चीज खाई, काहे से ई देवीय सत्ता लोग पाप खा लो, अब पाप होइले नहीं खे तो खाई लोग, छोड़ दी लोग अकेले उनकरा के ना छोड़ी लोग, और ही लोग के भी छोड़ दी लोग। तो वैसे ई कथा के मतलब ई नहीं खे कि रउआ आज खाली नियम अपनाई, काल से नियम तोड़ दी ना, अगर चाहता नहीं कि जिंदगी भर हमार लैका लोग
कि उम्र बढ़िया हो खो, तरक्की करो, स्वस्थ रहो लोग, घर में लक्ष्मी जी के वास हो खो, तो इन नियम के हमेशा पालन करे के पड़ी। अब कई बार रउआ लोग इनके मन में ये बात उठी कि हम तो करें, दूसर केहू नहीं के कर, तब हम का करी। तो एक बात बताई रउआ, केहू के संगे जन्म ले ले रहनी, इमें से केहू एक बता दी कि हम आइल बानी अपना बहन के संगे, हम आइल बनी अपना भाई के संगे। एक भी आदमी धरती में केहू केहू के संगे ना आवेला, सब केहू अकेले आवेला। अकेले आवेला, कई लोग के संगे रहेला, लेकिन जाला तो अकेले ही जाला, केहू ना जाई रउआ संगे, केहू ना आई रउआ संगे। तो जब रउआ अकेले आइल बनी, अब एक बात बताई राउर, जौन पैसा बाटे न पैसा, ओकरा में तो लोग बंटवारा क लेला, लोग केहू बांट ली, राउर लड़का लोग बांट ली, राउर बेटी लोग बांट ली, है ना, बहु दामाद बांट ली लोग, लेकिन रउरा पुण्यों में से केहू बांटी, रउरा पाप में से केहू बांटी, न पाप बटी न पुण्य बटी, इ दौलत तो रउए लगे रहेला, वो नहीं ही बांट सकत रउआ। आ इ ऐसन दौलत बा, बैंक में अगर पैसा बा रउरा, आ मान ली कि अगर कोनो आदमी के लगे खूब पैसा बाटे, आ उ शरीर छोड़ के चल गई, तो पैसा यही धरती पे रह जाई, एक पैसा ना जाई, सब के जे पीछे रही खाई, है ना सब, हाँ बस। लेकिन लेकिन राउर पैसवा तो बट जाई, यही जा रह जाई, लेकिन रउआ जिंदगी भर में जितना पुण्य कैले बानी उ सब जाई, उ जाई उ ना रही, उ ना कटी, उ जाई अगले जन्म में भी रउआ मिली। याद रखे हम लोगिन, पुण्य भी राउर जाला, पुण्य भी जाला आ पाप भी जाला, ये दोनों जाला, ये दोनों पीछा ना छोड़ेला हमेशा। जेंगा रउआ जेंगा देखे नी, हाँ जेंगा कई बार रउआ देख ले बनी, गाय के जोन बछड़ा होला सन्नो, छोट भी बछड़ा होको गाय के, आ सौ गो गाय माता लोग बड़ी लोग, सौ जना बछड़ा के रुआ छोड़ दी, उस सौ गो गाय में से अपना माई के वो बछड़ा ढूंढ लेला, बोला कि ना, सौ जाना में हजार भी गौ माता रही लोग तो ढूंढ ली। वही ना हमनी के पुण्य जोन कमैले बानी सन पिछले जन्म में, ए जन्म में जोन पुण्य कमायम सन, ए जन्म में जोन पाप कमायम सन, उहो हमनी के बछड़ा खानी अगले जन्म में हमनी के ढूंढत ढूंढत पहुंच जाई और मिली ना, गलत कर्म तो उन्होंने मिली, वो पहुंच जाई। अब मान ली कई लोग के होला, कई लोग के एंगा घटना भइल बा कि जना जीवन बाटे, खूब कर्ज लेता रे लोग, खूब कर्ज ले लेके खूब खा ले लोग, अब बूढ़ हो गए लोग, मर गए लोग, तो बाद में मरे के बेरा सोचा था नहीं अब तो हम मरो था नहीं, अब कर्जवा के दी, अब जा अब के केकरा से ले बतू, तो एंगा कई आदमी खुश होला लेकिन ना छुटकारा मिलेला। जौना आदमी के रउआ कर्ज ले ले बानी नु, उ आदमियों मरी रउओ गईनी, आ उहे आदमिया जौना के कर्ज रउआ पैसा वापस नहीं की देले, उ जाके राउर बेटा बन जाई, बेटी बन जाई, ना तो पड़ोस में जम जाई, आ उ रउरा कमाई के बैठ के खाई, आ उ बरले खाई जब ले कर्ज ना पूरा हो जाई, पूरा हो जाई चल जाई, ई कवर ई छूटेला ना, पुण्य पाप सब चलेला संगे। तो वही ना ज्योतिया कथा में बड़ा सुंदर बाटे चिल्लो और सियारिन के कथा, ये जो चिल्लो और सियारिन के कथा बा, ये कथा ये पुण्य और पाप के कथा बा। एगो चिल्लो रहली आ एगो सियारन रहली। चिल्लो बरगद के पेड़ के ऊपर रहस, बरगद के पेड़ के डाली पर चिल्लो रहस, आ सियारिन बरगद के नीचे जोन मोटा तना रहे उ तना के खोड़र में सियारिन रहस, है ना। तो चिल्लो तो उड़ उड़ के एने उने जास, तो चिल्लो एक दिन कहीं उड़ के गईली, कोनो पेड़ पे बैठली, तो उ पेड़वा के बैठली तो देखली नीचे एगो पंडित जी बैठ के और ज्योतिया कथा सुनावत रहनी, यह कथा सुनावत रहनी जीवतवान राजा के, केंगा व्रत कइल जाला सब सुनावत रहनी। तो जब सुनावत रहनी तो चिल्लो बैठ के सब कथवा सुन लेली, सारा कथा चिल्लो बैठ के पेड़ पे बैठ के सुन लेली। आ सुन लेला के बाद उनका मन में बड़ा खुशी भइल कि हमरो लड़का होला लोग, हमार जब अंडा जैसे हम देनी बच्चा होला लोग,
तो नाग आवेले सन, जन चिल के बच्चा होले सन नु, ओकनी के अंडा के सांप खा जाले सन, हाँ पी जाले सन, है ना। तो चिल्लो हमेशा दुखी रहस कि हम अंडा दे के चल गई नी बाहर, उड़ के गई नी कि चूजा लोग खातिर हम अनाज लेके आई, तब ले तो न चूजा बाड़े न अंडा बाट, सब खत्म। तो ये बात के लेके बड़ा दुखी रहस। उनकरो मन में ये बात रहे कि हमरो लड़का लोग, हमरो बच्चा लोग बचल रहस लोग, उलो के भी उम्र लंबा हो खो, ओकरा खातिर हम का करी। तब ले को कथा सुन ले ली, जब कथा सुन ले ली, उनका मन में भइल कि हमो ई कथा के अनुसार से हमो व्रत करेम। ई मन में विचार आइल, खुश होके चिल्लो चल गईली अपना सखी के लगे। आ सखी जोन रहली के रहे सखी, सियारिन। सियारिन रहली कहाँ, रहत रहली सियारिन बरगद के पेड़ के खोडर में। तो सियारिन के लग जाके ऊपर बैठ गईली पेड़ पर, आ सियारिन के कहली कि हे सखी, हम हैसन कथा सुन के आइल बनी, और सप्तमी अष्टमी के नवमी के समय में अश्विन महीना में ई व्रत जे करी, ओकरा लड़का लोग के उम्र लंबा हो जाय। तो ई बात जब कहली तो सियारिन के बड़ा पसंद आईली बात। कैसे सियारिन के भी छोट छोट लड़का लोग रहे नु, वो जब जास कहीं खाना होना ले आवे, तब ले बार बाघ शेर चीता वसन और इनका के सियार के लड़का लोग के मुआ दे, ठीक बा। तो देखा तानी, इंसान के माई हो खोस, चाहे जानवर के माँ हो, कष्ट तो सबके होके होला, माई तो माइये होला, दर्द तो सबके होके होला, है ना। वो चाहे केहू भी बा, तो कोनो जीव के भी अगर वो मारा तानी तो ओकरो दर्द होता, ओकरो कष्ट होता, वैसे जीव हिंसा ना करे के चाहिए, है ना, सबके होके माया बा। तो अब जब ये बात चिल्लो कहली तो सियारिन के बड़ा अच्छा लागल, कहली कि ई तो व्रत करे के चाहिए, व्रत करे के चाहिए। तो व्रत करे के इंतजार लोग करे लाग लोग, आ जब समय आयल अश्विन महीना में, जब सप्तमी अष्टमी के समय आयल, तो नियम के अनुसार से चिल्लो जो नियम बतैली ओकरा अनुसार से निर्जला व्रत करे के रहे और उपवास रखे के रहे, मतलब कुछ खाए के ना रहे। दोनों लोग अपन योजना बना के कथा ई शुरू कर दे लोग व्रत कैल। अब दिन भर तो व्रत रह गए लोग, हाँ दिन भर तक रउआ लोगिन कितना मुश्किल से बानी लोगिन पता चलता, है नु, पानी नहीं खी पियत, खाना नहीं खी खावत, कितना ठीक ठीक बानी। देखी रउआ लोगिन ठीक बानी, काहे ठीक बानी, कैसे रउआ लोगिन की आदत हो गई, पहले से करता नहीं, लेकिन जे पहली बार करी ओकर का हालत हुई। हम रउआ के अपन बात बताओता नहीं, हम जिंदगी में पहली बार जब शुरू कैले रहनी व्रत कैले, तो व्रत कई नहीं तो ढाई तीन बजे तक तो हम सरेंडरे कर देनी कि ये हमरा से ना हो पाए। पहला व्रत हमरो टूट गई रहे, हाँ ढाई तीन बजे जात जात अनु सारा हमार व्रत टूट गई। ओकरा बाद फिर करत करत अभ्यास करत करत तब जाके अब हो जाए, अब कोनो दिक्कत ना होला। वही रउआ लोग याद करी कि पहली बार कैले रहनी तो हो गई रहे पूरा, हाँ का भई रहे टूट जाला, हाँ। तो ओहिंगा व्रत सब केहू के टूटेला। अब चिल्लो आ सियारिन तो पहली बार तो कैले रहले लोग, नो उलो के कोनो अभ्यास तो ना रहे करे के, पहली बार कैले लोग। अब पहली बार में चिल्लो जन बाड़ी इतना छोट पेट बा, छोट मोट शरीर वाली रहली, आ मन में बड़ा आस्था रहे, कैसे उहे कथा सुन ले रहली, उहे सोच ले रहली। तो जौन आदमी खुद से सोच के करेला, वो कहल जाला नु एगो बात कि जौना के धक्का दे के रउआ पेड़ पे चढ़ाएम नु, जौन आदमी के ऊपर मीठ फल ना खाएम, कहल जाला नु। लेकिन जौन आदमी खुद से चढ़ी, अपना से चढ़ी कि हम रउआ के मीठा फल तोड़ के ले आएम, तो दूर दूर तक डाली में जाई, अब बढ़िया फल तोड़ के लाई, ये होला नु। तो प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्ण की, हनुमान जी महाराज की, माध्य भगवती की। तो चिल्लो और सियारिन तो पहली बार करत रहे लोग, लेकिन चिल्लो के मन के इच्छा रहे कि हम व्रत करें, तो वहां के खुद इच्छा रहे, वही से वो तैयार हो गईली, आराम से व्रत करे लगली। लेकिन सियारिन तो कहला पे कैले रहली नु, आ सियारिन जब बाड़ी खोडर के नीचे बैठल बाड़ी, तो सियारिन अब रात के समय होखे लागल, सूरज के अस्त भइला के बाद अंधेरा होखे लागल। तब चिल्लो कहतारी कि शाम के कथा सुनल जाला,
मन लागी भटके एने ओने, तो मन के शांत करे खातिर अगर भटकाही के बाटे कहीं ले जाए के बाद तो मन के भगवान में लगा दो, कथा सुन लो। अब कथा सुनला से का हुई, कथा के मतलब होला कि व्यथा जौन कम कर दे। कथा कथा के उल्टा होला थाक। जब आदमी थक जाला तो कथा सुनेला तो शक्ति मिलेला। जीवन में कष्ट दूर करे के बाद तो कथा सुनी सारू राउर सारा कष्ट दूर हो जाए। तो अब एक बात सोची, रउआ बहुत कष्ट में बानी, कोनो कारण से रउआ कष्ट बा, और रउआ लगे ऐसा आदमी के बात सुनावल जाओ जौन रउआ से भी ज्यादा कष्ट में बा, ओकर कहानी सुन के राउर आपन कष्ट कम हुई कि ज्यादा हुई। मान ली कि रउआ एक दिन से खाना नहीं खे मिलल, आ एक दिन से खाना नहीं खे मिलल, बड़ा रउआ कष्ट होता अंदर से एक दिन खाना नहीं खे मिलल। आ हम आके रउआ कहीं हमरा तो 10 दिन से खाना नहीं खे मिलल, तो राउर कष्ट कम हुई कि ज्यादा हुई? तुरंत मन में होई, तुरंत मन में रउआ होई कि अरे हम तो ठीक बनी, एक दिन से नहीं खे मिलल, यहाँ के तो 10 दिन से नहीं खे मिलल। तो दोसर के बड़का कष्ट देख के अपन कष्ट कम हो जाला नो। तो वही ना कथा सुनल जाला कि हमरा से भी ज्यादा कष्ट में द्रौपदी रहनी, हमरा से भी ज्यादा कष्ट में जीवितवान रहनी, लेकिन वहां के ऊ कष्ट से बाहर निकल गईनी तो हमार कष्ट तो बहुत थोड़ा सा बा। ओइसे कथा सुन के अपना मन के समझावल जाला, अपना मन के शक्ति दियल जाला, ढांडस बनावल जाला, ठीक बा? तो अब चिल्हो कहतरी कि हे बहिन कथा सुने के चाही, हम कथा कहतनी तू बैठ के कथा सुन, रात यही ना गुजर जाई आ सुबह हमने के पारण कर लियल जाई, ठीक बा? यानी कि कथा सुन के भगवान पे ध्यान लगाओ। तो जब चिल्हो ई बात कहली तो सियारन कहतरी, सियारन कहली कि ठीक बा तू कथा कहो, हम कथा बैठ के सुनतनी। अब ऊपर से चिल्हो कथा कहतरी अकेले बैठ के, आ सियारिन बैठ के कथा सुनतरी, ठीक बा? अब जगह हम कथा कहतनी तब हमारा घर वो चिल्हो मत समझ ले ना हम चिल्हो है ना रउआ लोग सियारिन है न। तो कथा अब वो कथा कैल शुरू कर दिली, जीवितवान कथा द्रौपदी जी के कथा सब सुनावे लगली। अब सुनावे लगली लेकिन थोड़े देर के बाद बैठल बैठल अब देखी कथा हम कहतनी तो हमार तो ध्यान कथा में बा, बाटे नो ध्यान बा, लेकिन सुनले सुनले में ध्यान कभी आंखवा बंद हो जाता तो कहीं और ही चल जाता, ओंघी लागे लागे, कभी कभी केहू केहू के ओंघी लाग जाला, कभी कभी हो जाला नो एगा। चूंकि आदमी शांति से बैठेला नो तो कभी कभी लागेला ओकरा आलस आवे होला नो। तो अब चिल्हो तो अपना कथा में ध्यान लगेले बड़ी, लेकिन सियारेन सुनत आरी, लेकिन सुनते सुनते धीरे धीरे अब उनकर ध्यान जाय लागल। अब कहाँ जाय लागल? हड्डी पर। धीरे धीरे पेट में चूहा कूदे लागल। हाँ अब रात होता है ना, रात होता तो धीरे धीरे पेट में चूहा पेट में कुड़बुड़ाए लागल। अब बड़का पेट रहे अब पेट में, आ जौना खोडर में रहली वो खोडर में पहले से खजाना भरा रहे। खजाना कैसन रहे सियारिन के, कैसन रहे? वे हड्डी वे मांस पहले से रखर रहे है ना, ओकर सुगंध तो आवते रहे, आहेने पेट में चूहा कूदते रहे, लेकिन ऊपर तो चिल्हो सुनाओ तारी कथा आ यही जाए इनकरा खुशबू आवता पेट में चूहा कूदता। आ पेट में चूहा जइया आदमी भूखो रहेला ना ओकरा खानवा बड़ा अच्छा लगेला, बहुत अच्छा लगेला। हाँ बाकी दिन अच्छा ना लगी लेकिन जइया भूखो रही वो दिन आदमी के बड़ा खाना अच्छा लगे वो दिन लगेला ना। ठीक बा ठीक ठीक बा। तो अब थोड़े देर के बाद, हाँ ठीक ठीक बा, थोड़े देर के बाद कटर कटर के आवाज आवे लागल है न, कटर कटर के आवाज आवे लागल। अब जब आवाज सुनाई देता चिल्हो के तो चिल्हो कहत अरे बहिन ये आवाज कैसा ना होता? तो सियारिन कहत अरे का करी दिन भर से भूखल बानी, कुछु खैले नहीं थी हनु, देह में जाने नहीं थे, करवट बदला तानी तो हड्डिया कड़कड़ाता देह के हड्डी
देह के हड्डी कड़कड़ करता, देह के जन हड्डी अस्थि पंजर बा सब ढीला ढीला हो गिल बा, देह में जाने नहीं खे, वैसे ये कटर कटर करता। तो वो तो समझ गईली, कहली अच्छा ठीक बा, विश्वास कर लेली ठीक बा। लेकिन वो धीरे धीरे कटर 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 रात भर कैली। हाँ, रात में उहे वो पहला बार कैले रही तो वहीं उनकर व्रत टूट गई। आ कटर कटर करके खा लेली, अपन जौन भी खाए के रहे। चिल्हो सुबह में जब सूरज के उगला के बाद जा तारी स्नान कैली नदी में बढ़िया से। स्नान कैला के बाद गौशाला में गईली, एगो गौशाला में गईली, वहां ऊजा जाके गौ माता के दूध पियली, सुंदर बढ़िया सा शुद्ध दूध पियली। ओकरा बाद उपारण कैली है ना। लेकिन लेकिन जौन सियारन रहली, अब सियारन तो नियम पहले ही तोड़ देले रहली, तो सियारन के तो कोनो भूख लागत ना रहे। लेकिन केहूंगा करके वो कह देली कि हमरो पारण हो गई ठीक बा। चिल्हो के ना पता चलल, चिल्हो के ना पता चलल कि जोन हमार सखी बाड़ी उ नियम के पालन नहीं कैले, नियम टूट गई, व्रत टूट गई, नहीं के पता चलल, उनका ना पता चलल। लेकिन भगवान के तो सब पता रहेला, भगवान से थोड़ी छिपी। तो जौन एथी रहे, जौन सियारन रहली, सियारन कह तारी कि हमरो व्रत पूरा हो गई। दोनों लोग के सियारन और चिल्हो के उम्र के साथ में आपन पूरा जीवन जी ले लोग, आ जी लेला के बाद दोनों लोग मर गए लोग, दोनों मरले लोग। तो ओकरा बाद बनारस में एगो बहुत अमीर परिवार में दोनों के जन्म भइल, चिल्हो सियारन दोनों के जन्म भइल। अब चिल्हो सियारन के जब जन्म भइल बहुत अमीर परिवार में, आ दोनों बहिन बन गई लोग। पिछले जन्म में मित्र रहले लोग, सखी रहले लोग, लेकिन ए जन्म में आके दोनों बहिन बन गई लोग, सगी बहिन। अब जब दोनों बड़ भइल लोग, तो बड़ भइला के बाद से दोनों के शादी भइल, दोनों के शादी भइल। तो जौन सियारन रहली वो बड़ बहिन रहली, आ चिल्हो रहली छोट बहिन। तो बड़ बहिन के शादी बनारस के राजा से हो गई, राजा से शादी हो गई। आ जौन चिल्हो रहली छोट बहिन, उनकर शादी बनारस के उहे राजा के मंत्री से भइल, मंत्री से शादी भइल है ना। तो बड़ बहिन राजा के घर चल गई, छोट बहिन मंत्री के, लेकिन एके एके राज्य में दोनों लोग रहले लोग। अब समय के साथ ये दोनों बहिन लोग बड़ा सुंदर हो गई लोग, बहुत सुंदर सुंदर। समय के साथ में ये लोग के जीवन चलत रहे। लेकिन चिल्हो के लड़का लोग भइल लोग आठ गो लड़का, चिल्हो के आठ गो लड़का, आठ गो बसु भइल लोग। आ सब बड़ा सुंदर सुंदर शरीर वाला, सुंदर सुंदर गुण वाला, बड़ा गुणवान, कोनो बीमारी ना, स्वस्थ देह वाला आठ को भइल लोग। मगर सियारिन के लड़का लोग होखे लेकिन मर जाए, लगातार लगातार लड़का होखे लोग लेकिन जिए लोग ना, मर जाए लोग। लेकिन चिल्हो के लड़का आठ गो भइल लोग, सब जना जीवित रहले लोग। सियारिन बहुत दिनों तक इंतजार कैली कि हमरो लड़का जी जाए लोग, लेकिन ना जियस लोग। तब सियारिन के मन में पाप उत्पन्न भइल, सियारिन के मन में अब पाप उत्पन्न भइल, क्रोध उत्पन्न भइल, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न भइल। सियारिन कहतरी राजा के, अपना पति के, कि हे राजा, अगर रउआ हमरा जी मतलब जीवल देखे के चाहतानी, जीवित देखे के चाहतानी, जिंदा देखे के हमरा के चाहतानी, तो जौन मंत्री के पत्नी बाड़ी, मंत्री के पत्नी के सारा लड़का लोग के वही जब भेज दी जहां हमार लड़का गई बड़ बड़। देखनी कथा के मर्म बड़ा गहरा बाटे, कथा के बड़ा रहस्य गहरा बा। जौन पिछले जन्म में सियार बा, वो जन्म में भले देह बदल जाई, गुणवा तो सियारवे वाला रही, लोमड़िए वाला रही नो, वो थोड़े बदल जाई। आदमी के देह बदल जाला, गुण ना बदलेला है ना। तो अब वो तो रहली सियारिन, अब ओ बरा भी झपट के कहूंगा मार काट के खास, ए बरा भी इनका मन में वह झपट के मार काट के खत्म कर दो, इनके मन में रहे। राजा के कहली कि राजा जी, अगर हमार जीवित रहे के चाहत नहीं कि हम जिंदा रही, तो वहां के लड़का के सब जना के वही जगह भेज दी जहां हमार लड़का गोल बड़े लोग। ये बात जब वो कहली तो राजा के ऊपर बड़ा दबाव भइल, और राजा कहले कि ठीक बा, जब रानी कहतरी कि ऐसा करे के बाटे तो हम कर दे। राजा अपन आदमी भेज देला,
कई आदमी भेजलस, कई बार उ लड़का लोग के मरवावे के, लेकिन लड़का लोग ना मर पाई। बहुत राजा कोशिश कैले, ना मरल लोग, बच गए लोग। केहूंगा केहूंगा जौन चिल्हो के पुण्य प्रताप रहे, उ जौन उहू बरा उ करत रहली, हाँ जीवित पुत्री का व्रत करस, नियम से करस, वो जन्म में भी आदमी बन गईली तबो करस, चिल्हन रहली तबो कैली, आदमी बन गईली तबो कैली, आ लगातार करत गईली, उनकरे पुण्य प्रताप से सारा लड़का लोग बाचर रहले लोग, सुरक्षित रहले लोग। लेकिन एक बार ऐसन भइल कि राजा अपना आदमी लोग के भेज के आ लड़का लोग के पकड़वा के सब जना के गर्दन कटवा दिल, राजा सब जना के गर्दन कटवा दिल, आठों जना के गर्दन कट गई। तो जो सियारिन रहली, सियारिन के बुझाइल कि वो बड़ा घमंडी बिया। अब देखा था नी कथा के अनुसार से चिल्लो सियारिन के है, सगा बहिन, आपन बहिन, एगो बड़ बहिन, एगो छोट बहिन, बहिन में इतना दुश्मनी, मतलब जान लेवे खातिर तैयार बनी, खून के संबंध बने, दोनों के बीच में खून के संबंध बा, तो इतना नफरत बहिन बहिन में कैसे हो जाए। तो उ बहिन का सोचा तारी जोन सियारिन बनल बड़ी, जोन रानी बड़ी, कहे कहे के तो रानी बड़ी, कहे के रानी बड़ी, लेकिन उनकर दिल जोन बाटे वो गरीब वाला बाऊ। रानी खानी दिल नहीं खे, राजा के दिल भी बड़ा होके के चाहिए, रानी के दिल भी बड़ा होके के चाहिए, लेकिन उनकर दिल तो छोट बाटे, वो तो ही बा ईर्ष्या द्वेष पाप से भरल बा, है ना। तो कहली कि उ लड़का के कटल जोन सिर बा ओकरा के डाला में रख के, आ जोन हमार बहिन बिया घमंडी, जोन बड़ा लड़का लोग पे इतरा ले, ओकरा के भेज दी, दिखा दी। तो राजा तो शक्तिशाली रहले, राजा तो कुछ भी कर सकत रहले, तो राजा भेज देले सारा डलिया में लड़का लोग के सर रख के, आठ गो डलिया जब घर के लगे पहुंचल, अभी घर में जाए से पहले ही सारा डलिया के सर गायब हो गए, आ सारा डलिया में सर के जगह पे सोने चांदी हीरा मोती जवरात भर गए, सारा डलिया में, हनु आठ गो डलिया में ढेर सारा सोना चांदी जवरात। अब जौन सिपाही लोग लेके डलिया मुड़ी पर रख के लेके गए लोग देवे खातिर माई के, ले जाके आंगन में रख दे, लो देख लो, ढक के कपड़ा में ढकल रहे, आ ढक के सिपाही छोड़ के चल देले सन। उ सोचले सन अभी बिलाप करियन, रोयन, चिलयन अपना लड़का लोग के मुड़ी देख कर। लेकिन जब माई आवत तारी, है ना, चिल्हो जोन रहली मंत्री के पत्नी, वही लिया खोला तारी डलिया, तो देखा तारी के सोना चांदी हीरा मोती से भरल बटे आठों डलिया। अब इनका आश्चर्य भइल कि कहां से आ गई। अब सोचे तारी केकरा से पूछी, तबले आठों बेटा उनकरा घर में घुसल लोग, खुशी से चलत फिरत आ गई लोग, आ कहलस लोग कि माई भगवान के प्रसाद आइल बटे, भगवान के प्रसाद बरोबर जौन व्रत कैले बानी, जौन पुण्य कमैले बानी, वही पुण्य के असर बटे कि हमनी के उम्र बड़ हो गई, जीवन दान दोबारा मिल गई, आ ई जौन पुण्य बा उहे खजाना आइल बई, भगवान जी भेजले बानी। हाँ तो अब का भइल, राजा के लगे जितना दौलत रहे, धीरे धीरे राजा देखता रे कि हमार मंत्री भी अमीर हो गई, यानी कि अमीरी भी बढ़ल, लड़का लोग के उम्र भी बढ़ल, अमीरी भी बढ़ल, तरक्की भी बढ़ल एक साथ। अब बड़ा राजा के आश्चर्य भइल, ई का होता, राजा के पत्नी यानी सियारिन के भी बड़ा आश्चर्य भइल। सियारिन तो सब अपन जितना जुगत लगावे के रहे, जितना चाल चले के रहे, जौन करे के रहे, सब तो कह दे ले रलिया, बाचल का रहे। तब तो बाद में अंत में सियारिन जातरी अपना बहिन के लगे, आ जाके कहतरी, हे बहिन, तू कौन ची कैले बड़ू, तू ऐसन का काम कैले बड़ू कि तहार लड़का जीवित बड़े लोग, हम कौन पाप कैले बनी कि हमार लड़का मर जाले, जन्म लेला लोग लेकिन मर जाले लोग। अब जब अंत में कोनो उपाय ना मिलल, तब पहुंच तारी अपना बहिन के लगे, पहले भी तो जा सकत रही, पहले तो ना गईली, काहे ना गईली, अंदर जब पाप रहेला मन में नू, तो केहू के मिले ना देला, वो मिले ना दी, अंदर के जन ईर्ष्या द्वेष बाटे वो आदमी के दूर दूर रखेला। तो अंत में वो जा तारी, आ जाके पूछ तारी
तन जौन चिल्हो रहली पिछले जन्म में मंत्री के पत्नी उ कह तरी बहिन के बैठेली देखी उ छोट बहिन के अपना बहिन से कोनो दुश्मनी नहीं है ना तो दोसर बहिन के रही उ शकल भी ना देखती कि तू हमारा बेटा लोग के मुआ दिलस तो अब तू काहे खातिर आवत रहू ना उ चुपचाप उ कह तरीका मारे वाला भी भगवान बचावे वाला भी भगवान तो हम पुण्य प्रताप करके पूजा पाठ करके जीवतिया व्रत करके भगवान के खुश करी बचावे वाला तुहे के बानी धन दौलत देवे वाला तुहे के बानी दुनिया से का शिकायत केहू से हम का शिकायत करी तो आराम से इज्जत से बैठनी अपना बड़ बहन के आ कहली कि हे बहन तू भूल गई बड़ू हम हमारा सब याद बा कहली कि तू भूल गईलू लेकिन हमारा सब याद बा अब चिल्लू के याद रहे पिछले जन्म की कहानी जो आदमी पुण्य कमाला नो ओकरा उहो सब याद रहला तो उनका पिछले जन्म के कहानी याद रहे लेकिन सियारिन भूल गई रही तो कहली कि पिछले जन्म में हम आ तू एक गो जंगल में रही सन आ एक गो पेड़ के ऊपर तू रहत रहलू एक गो पेड़ के ऊपर हमू रहत रहनी तू सियारन रहलू हम चिल्लो रहनी और एक पेड़ पे रहनी आ वही जा हमनी के पुत्र जीविका व्रत जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवतिया व्रत हमनी के करत रहनी सन आ जीवतिया व्रत करत रहनी सन तो हम तो पूरा व्रत ठीक से करी लेकिन तू व्रत के बीच में ही खा ले तू खा ले तू नियम तोड़ देलू वही से हमार जोन लड़का होला लोग उ लोग सब बच गए लोग आ तहार लड़का होला के बाद भी ना बचेला लोग तो कहली कि ठीक बा पिछले जन्म में गलती हो गई बा अब का करी ये बताओ पिछले जन्म में तो गलती भइल ए जन्म में भी गलती करतनी अब तो बताओ कि सुधार केंगा करी तो चिल्हो जन रहली मंत्री के पत्नी उ कहतरी अभी से भी मौका बा अभी से भी जीवतिया व्रत तू कर नियम के साथ कर नियम तोड़िया मत नियम के साथ कर भगवान के आशीर्वाद माता रानी के आशीर्वाद तो प्रेम से बोलिए माता रानी की दुर्गा मैया की चूंकि दुर्गा मैया की ही तो पूजा कल जाला ना तो वो कैल शुरू कर देली सियारन यानी कि राजा के पत्नी कैली कैली व्रत के आ जैसे जैसे व्रत कैली वैसे वैसे उनकर लड़का फिर होखे लागल लोग आ लड़का लोग बचे लागल मतलब मरलस लोग ना लड़का बचत गई लोग आ उनकर बाद में चल के कई गो लड़का बड़का बड़का राजा बनस लोग बड़का राजा बन लोग आ इनकरो आठ गो बसु रहले लोग देवता आई रहले लोग आठ गो बसु है तो दोनों बहन खुशहाल लोग बोल दोनों घर में तरक्की होखे लागल तो वो तरक्की काहे भइल जीवतिया व्रत के कारण से इहे नियम के पालन कइला से अब जीवतिया व्रत में जौन महत्वपूर्ण बात बाटे केकर केकर पूजा कइल जाला जीवतिया व्रत में पूजा केकर कइल जाला सबसे पहले तो हमनी के अपना पूर्वज लोग के पूजा करें भोग लगाए तो अपना जितना भी पूर्वज पितृपक्ष चलता एबरा पितृपक्ष चलता नु तो पितृपक्ष में अपना पूर्वज लोग के भी पूजा कई जाला एबरा यानी अपना बाबूजी दादाजी चाहे जौन भी पूर्वज बड़े लोग जौन ए लोक में नहीं खेलो शरीर में नहीं खेलो लेकिन आत्मा तो बाटे उ लोग के उस सब के होके हमने के भोग लगावे निशन सब के होके पूजा करे निशन तो उ हमार बीतल काल हो गए लोग बीतल समय बाटे पूर्वज लोग ठीक बा लेकिन साथ में जौन वर्तमान संतान बा ओकरो पूजा कइल जाता ओकरे खातिर तो रउआ व्रत कइले बानी होई खातिर न कइले बानी यानी कि वर्तमान के भी पूजा करतानी आ पूजा करतानी देवी माँ के पूजा करतानी दुर्गा मैया के पूजा करतानी जीवित वाहन के पूजा करतानी तो ए पूजा में का होला माई के पूजा करे के मतलब का माई से रउआ यह तो कहतानी हे माई भविष्य अच्छा हो बच्चा लोग के उम्र लंबा होके स्वास्थ्य बेहतर होके तरक्की होके घर में लक्ष्मी जी के वास होके सब लोग आगे ये होला ना तो बीता हुआ जन कल बाटे उकरो पूजा करता नहीं वर्तमान जन बा उकरो पूजा करता नहीं या जन आवे वाला भविष्य बा उकरो पूजा करता नहीं एक साथ में तीनों करता नहीं अब माई का कहता नहीं ये पूजा के प्रताप वो आदमी के सबसे ज्यादा मिली जौन माई यानी उ माई जॉन खाली अपना लड़का लोग के लंबा उम्र खातिर प्रार्थना मत करस देखी दुनिया के कोई भी माँ सब माई तो चाहे लालू कि हमार लड़का लोग ठीक रहो यह चाहे लालू नो
लेकिन रउआ पूजा करतानी जीवित वाहन के, रउआ पूजा करतानी माता रानी के, तो वहां के का कहतानी कि तनी अपन दिल के बड़ा करी, अपना दिल के छोट मत बनाई, दिल के थोड़ा बड़ा करी। जेंगा जीवित वाहन अपना रक्षा खातिर काम ना कईले, दूसर केहू के भी लइका लोग बाचल रहस लोग, ओकरा खातिर उनकरा मन में भाव रहे, वही ना भाव रउओ जगाई। ई ना कि हमार लइका लोग सुरक्षित रहे, दूसर केहू के कुछ भी हो जाए हमरा का मतलब बटे, ना ना। माँ कहतनी कि वो माई के हम सबसे ज्यादा आशीर्वाद देनी जौन माई अपना लड़का के लंबा उम्र खातिर प्रार्थना तो करेली, साथ में दूसरों लड़का लोग के प्रार्थना करेली। हे माई, जेगा हमार लड़का लोग के रुआ सुरक्षित रख ले बनी, वही ना दूसरों केहू के लड़का लोग के सुरक्षित रखी, ओकरो घर में खुशहाली रखो, ओकरो घर में बरकत को, ए ना जे प्रार्थना करी ओकरा से माँ जल्दी खुश हो जानी, ओकरा से जीवित वाहन राजा जल्दी खुश हो जानी, ओकर व्रत ज्योतिया व्रत ठीक से पूरा हो जाला। तो रउआ लोगिन सब तरह के बैर भाव मिटा के मन में आ सब केहू खातिर प्रार्थना करी। रउआ खातिर केहू प्रार्थना करो ना करो, लेकिन रउआ जरूर कनी कि हे माई सब केहू के कल्याण करे, केहू के घर में दुख ना आवे, केहू के घर में अकाल मृत्यु ना हो, सब लोग के लेके आगे बढ़े स्लो, है ना। एंगा जब प्रार्थना करें तब राउर व्रत पूरा होई। तो प्रेम से बोलिए जीवित पुत्रिका व्रत की, भगवान जीवित वाहन की, माँ आद्य भगवती की, भगवान शंभू की। तो एजा यही से व्रत अब के कथा जोन बाटे अब समाप्त होता कि अब जोन बा ई कथा के जोन नियम कानून बा एकर रउआ पालन करके रउआ लगन जोन समय बाटे पूरा रात के समय बाटे सुबह ले मन में यह पवित्र भाव जगाई आ पवित्र भाव के साथ रही सब केहू के व्रत पूरा हुई सब केहू के कल्याण हुई आ माँ के आशीर्वाद सब केहू के ऊपर बरसी।